यूपी के मुरादाबाद में पिछले कुछ दिनों से शेरावाली माता के निकलने की खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है और दूर दराज से लोग वहां उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद सहित आसपास के जिलों में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसे भी पता लग रहा है कि शेरावाली माता निकली हैं, वो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर अपनी अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक मिश्रा ने बताया कि यहाँ पर बीते रविवार को माता शेरावाली निकली हैं। जब हम यहाँ से निकलते थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर पीपल के पेड़ पर लोग शनि देवता को पूजने लगे, शनिवार को दिया जलाते थे। फिर अब बीते रविवार को हम यहाँ से जा रहे थे तो माता रानी थोड़ी सी निकली हुई थी और अभी माता रानी का एक चरण बाहर है, एक चरण अंदर है। पहले यह बहुत मुलायम और सॉफ्ट थी और अब लोगों ने इन्हें छू छू कर इनका शरीर वज्र का कर दिया है। क्या नाम आपका? पंडित अभिषेक मिश्रा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे पटपुरा नई बस्ती में। अच्छा, ये क्या किस देवी की मूर्ति है? माता शेरावाली की। अच्छा, कब निकली थी ये? भैया जी संडे में निकली। अच्छा, संडे में निकली, पहले नहीं थी? हाँ, पहले हम यहाँ दुर्गा शिव शक्ति मंदिर पे रहते हैं। पल्लंग दुर्गा शिव शक्ति मंदिर पे हम रहते हैं, हमारा पंडिताई के कार्य। हम यहाँ से जब निकलते थे तो यहाँ पे जो है आज के 3 साल पहले कुछ नहीं था, झुंड खड़े थे। उसके बाद में जैसे ये आबादी बढ़ती है कि भक्तों की जो श्रद्धा आई कि जो पीपल का पेड़ है कुआँ है, तो उन्होंने शनिदेव का पूजन स्टार्ट किया। यहाँ दिया लगते थे शनिवार के दिन, हाँ दिया लगते थे यहाँ पे। और बाकी 2 महीना पहले चौतरा पड़ा है, तब यहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बाद में संडे में हम मंदिर जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे भक्तों की बहुत भीड़ थी कि तब माता रानी थोड़ी सी निकली थी। माता रानी ने अपना जो है प्रकोप जो है बढ़ाया तो उनका एक चरण जो है बाहर है, बाकी भी एक चरण अंदर है धरती में। अच्छा, अभी एक चरण अंदर है? एक चरण अंदर है अभी। तो क्या धीरे धीरे निकल रही है? धीरे धीरे निकल रही है। ये माता रानी पहले जो पुलपुली थी, लेकिन जब भक्त और माताओं बहनी बहुत बहुत दूर से आती हैं, छूती हैं, छुआ छुआ करती हैं, तो माता रानी ने अपना जो है शरीर वज्र का कर लिया, वहीं पे जो है रुक गई। इस समय पत्थर की हो गई। अच्छा, पहले पिलपिली थी? पहले पिलपिली थी। आपने ट्रायल किया था? ट्रायल किया हमने, तो आपके से देखा। अच्छा, पकड़ के देखा था। आप कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर? आप सर वो हैं, पुजारी हैं यहाँ के, कहाँ कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे? लोग कुछ लोग दिल्ली से भी आ चुके हैं। अच्छा, मेरठ के ही 2-3 लोग आ गए हैं। अच्छा, और बाकी ये मुरादाबाद लाइन पार्क से तो सब आ रहे हैं इधर जो है, बहुत बहुत कुनर की साइड के भी आ रहे हैं लोग। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा, जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि माता रानी की कृपा से सबकी जो है मनोकामना भी पूरी होती है। बबीता, कहाँ रहती हैं आप? मैं पास पे ही रहती हूँ। अच्छा, पीपल के पेड़ से कितनी दूरी पर है घर आपका? लगभग कितने? ज्यादा पास पे ही है, दूर नहीं है। अच्छा, तो पहले आप यहाँ पूजा करती थी तो देवी थी? नहीं, कुछ नहीं था। मैं जैसे शाम को धुलाई वगैरह करके जाती थी, कुछ नहीं था। एक दिन शनिवार के दिन जब मैंने चिराग जलाया तो इन्हीं के आगे जलाया था चिराग, तो जब मैंने चिराग जलाया उनकी किरणें जो पड़ी तो माता को देखा मैंने, हल्की झलक पाई उनकी। यानी हल्का सा देखा? हाँ, हल्का सा, बस उनका शीश दिखाई दे रहा था हल्का सा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यहाँ पे माता रानी निकल रही है, तो उन्होंने कहा कि शायद निकल रही हो, वो भी देखने आए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ सच में निकल रही है। फिर मैंने आस पड़ोस में बोला तो किसी ने देखा, किसी ने कहा कि नहीं रख दी है। फिर हमने इतना गौर नहीं दिया, फिर निकलती रही धीरे धीरे, फिर ये और ज्यादा बढ़ती रही। फिर मैंने देखा, मैं सफाई पाई करती थी कि ये तो बढ़ रही है। तो आपने टच करके देखा था? हाँ, हमने छू के देखा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी चमक भी नहीं रही थी ये। अच्छा, फिर उसके बाद ये देवी निकल आई? हाँ, अब ये पूरी ही निकल आई है। तो आपने, आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है? मन्नत अभी तो कोई मांगी नहीं है, मांगेंगे जब होगी तो बताएंगे। चंद्रकांत, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं पेड़ पर। अच्छा, ये पीपल के पेड़ में देवी निकली है, कब निकली थी? जी करीब 1 हफ्ता हो गया है। करीब 1 हफ्ता हो गया? हाँ। क्या, हम पहले आते थे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, हम चिराग जलाते थे शाम को आके शनिदेव का, जब कुछ नहीं था, चबूतरा भी नहीं था उस टाइम तो। जब चबूतरा भी बाद में निकला बनाया। अच्छा, ये चबूतरा देवी निकलने के बाद बना? ना, पहले बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे खाली पीपल ही आते थे, तब देवी निकली? कुछ नहीं था, यहाँ पे खाली मूर्ति खंडित वाली रख जाते थे लोग, वाग बहुत ही। अच्छा, अब ये जमीन फाड़ के निकली है? हाँ, जो भी है जड़ में से आई है जो भी है। अच्छा, तो आपने कुछ देखने का ट्राई करने का प्रयास किया कि किसी ने मूर्ति तो नहीं रख दी? नहीं, वो नहीं है कि हमने तो सब जो करा, हमारी घरवाली जल गई थी उसकी, यहाँ पे हमने मट्टी लगाई है, उसे छाला नहीं पड़ पाया। बिल्कुल है, उनसे तबियत ठीक नहीं है, उनके आ नहीं पाएंगे। मतलब